हेलो दोस्तों, आज हम लेखपाल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, इसका जो केस चल रहा है, यहाँ से आप केस के बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ले सकते हैं। सर्च बाई केस नंबर में आप जाएंगे जब, तो यहाँ पर आपका ये पोर्टल खुल के आएगा। तो केस टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, करेंगे रिट रिट ए, सबसे नीचे यहाँ पर आएगा रिट रिट ए, इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में केस नंबर है आपका 56-55, तो और ईयर है आपका 2023। और उसके बाद में ये आप कैप्चा डालेंगे 4500। उसके बाद में जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये आपका खुल के आ जाएगा, ये वाला केस। तो इसमें देखिए, अब क्या है कि आपकी जो 3 अप्रैल को थी एक डेट, और नेक्स्ट हियरिंग डेट 18 अप्रैल को लगी हुई है। और ये आपका जो है गोरखपुर का जो है डिस्ट्रिक्ट का केस है। तो इसमें मेन चीज़ ये मुझे बतानी है कि आपको अभी लग रहा होगा कि 18 अप्रैल को केस लगेगा और इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में फटाफट लोगों की वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये मान के चलिए कि जो है 18 अप्रैल को अगर जो केस लगा हुआ है, जजमेंट अगर जो दूसरे दिन भी आ जाता है, तो कम से कम 15 से 20 दिन जो है UP SSC लगाएगा उस पर जो है पुनर्विचार करने में। पुनर्विचार करने के बाद में फिर वो लिस्ट जारी करेगा। तो मेन मुद्दा ये है कि जिसके 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 75 के आसपास, 75 75 75 के, ये मैं जनरल का बता रहा हूँ, 75 नंबर या फिर 75 के प्लस हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। और ये कम से कम जो है 3 महीने तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 3 मंथ्स तक। बाकी अदर कैटेगरीज वाले जनरल के रिस्पेक्ट में अपना जो है कट ऑफ जो है सोच सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए EWS है, EWS का जो है 2 या 2.5 नंबर कम जाएगा, उसी तरह OBC का भी 2.5 या 3 नंबर से ज़्यादा नहीं रहेगा कम। और इसी तरह SC का जो है करीब 6 से 7 नंबर मान लीजिए, और ST का करीब 8 से 10 नंबर मान लीजिए। तो जिनके जिनके 75+ हैं, वो लोग सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहे। मान लीजिए अगर जो इसकी लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की निकल आती है मई में, तो मई के बाद में 3 महीने मान के चलिए कि जो है मई जून जुलाई, लास्ट मान लीजिए अगस्त तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में, अगस्त में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में 1 मंथ के बाद में इसकी जो है फाइनल रिजल्ट निकलेगी। तो डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन के लिए जैसा कि अभी तक सुनने में आ रहा है कि 1.5 गुना यानी करीब 16,000 या फिर 17,000 जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। और आप ये, आपको लग रहा होगा कि 75 नंबर बहुत ज़्यादा मैंने बता दिया, आप ये मान के चलिए कि हर 5 में से 4 लोगों का जो है 73 74 75 76, इतने बीच में तो है ही है। तो किसी भी हाल में जो है जो कट ऑफ है वो 73 से नीचे तो नहीं ही जानी है, 74 मैंने एक स्टैंडर्ड माना है। तो मान के चलिए कि जो है 1 मंथ के बाद में अगर जो जो है इसका जो है रिजल्ट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो उसके बाद में जुलाई से अगस्त से सितंबर हो जाएगा इसका, सितंबर तक इसकी जो है 16,000 लोगों की जो है रिजल्ट आएगा कि किसने किसने डॉक्यूमेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन क्लियर किया है। उसके बाद में एक फाइनल रिजल्ट आएगा, ये आप UP SSC में जानते हैं कि जो है 2 बार इसका रिजल्ट आता है। एक बार वैसे रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट भी देते हैं। तो ये मान के चलिए कि जो है सितंबर के बाद में जो है अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये नवंबर तक जो है ये जो है डॉक्यूमेंट वाला ही इनका खिंच जाएगा। उसके बाद में 2 महीने मान के चलिए कि इसका जो है फाइनल रिजल्ट आके जो है इसका जो फाइनल वैकेंसी होगी, तो करीब जनवरी मान के चलिए, जनवरी 2024 तक आप पहुंच गए, जनवरी 2024 तक पहुंच गए, 2024 तक। और कोई भी आज तक वैकेंसी ऐसी नहीं हुई है जिसका रिजल्ट आने के बाद में 3 या 4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया हो। तो कम से कम मान के चलिए कि अगर जो लेखपाल संघ वाले बहुत ज़्यादा धरना भी दे रहे हैं, तब भी कितनी भी जल्दी करें, ये लोग 8,000 लोगों का ज्वाइनिंग लेटर 2 से 3 महीने के पहले दे ही नहीं सकते हैं भाई। इनको जो है ज्वाइनिंग लेटर, अभी तो इस समय ये ट्रेंड चल रहा है कि जब भी ज्वाइनिंग लेटर बटेगा तो ऐसे नहीं बटेगा, सबसे पहले एक बड़ा सा समारोह होगा, एक चीफ गेस्ट आएंगे आपके, कोई मंत्री या फिर खुद मुख्यमंत्री आएंगे, उसके बाद में डॉक्यूमेंट, उसके बाद में जो है ज्वाइनिंग लेटर बढ़ता है, ऐसे अचानक नहीं बढ़ जाता है। तो ये जो है मान के चलिए समारोह इनका जो ज्वाइनिंग लेटर वाला होगा, ये जो है फरवरी या फिर मार्च के लास्ट तक होगा,
मार्च के लास्ट तक आपका जो है जॉनी लेटर वाला हो गया, तो अब ये मान के चलिए कि अभी तक आपके पास टोटल और टोटल 9 महीने हैं, 9 महीने हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा रिजल्ट को लेके उत्साहित मत होइए। अगर जो आपका रिजल्ट आना भी है, आपके नंबर भी बन रहे हैं 80 के ऊपर जो है नंबर भी बन रहे हैं, तो आप रिलैक्स मत बैठ जाइए। ये मान के चलिए कि जो है जो हमारे पास टाइम है वो अभी 9 से 10 महीने का टाइम है, जो कि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। लेखपाल की जो नौ वैकेंसी है या नौकरी है, ये बहुत कोई अच्छी नौकरी नहीं है, घर परिवार चलाने के लिए जो है ठीक माना जाता है। और इसके आगे भी जो वैकेंसियां हैं, जैसे कि बंदरगाह की जो वैकेंसी, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग बंदरगाह पर फोकस करें, और इसके अलावा जो कुछ भी अदर वैकेंसी पर फोकस कर रहे हैं UP SSC की, खास तौर से वीडियो, वीडियो सेम ग्रेड पे है लेकिन इससे बेहतर जो है लाइफ स्टाइल माना जाता है, तो उसकी तैयारी करते रहें। ये वीडियो था, अगर जो वीडियो का ये जो एक्सप्लेनेशन आपको जो है समझ में आया हो, अगर जो आपने पसंद किया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।